हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। और इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखने जा रहे हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य को देखने जा रहे हैं। और ये हमारे संविधान के मूल भाग में नहीं था, मतलब कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम में ये नहीं था हमारे संविधान में, बट बाद में इसको जोड़ा गया था। और इसके लिए भाग चार का क है, और इसको हमने रूस के संविधान से लिया था, रसिया के संविधान से इसे हमने लिया था। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो टोटल कितनी है, 11 है। शुरुआत में 10 ही थी जब बनी थी, तो उस समय 10 था, लेकिन 11वां जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो यहाँ पे है, राइट। तो हम एक बार नोट्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम यहीं देख लेंगे। टोटल तो हमारे सामने यहीं पे दिख रहा है, राइट। सो लेट्स सी ऑन द नोट्स। तो देखिए यहाँ पे है फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे भाग चार का को हमने जान ही लिया है, चार के क में है। और इससे मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य दोनों कहते हैं, या तो मौलिक कर्तव्य बोलें या फिर मूल कर्तव्य बोलें, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है इनमें। तो हमने रसिया से लिया है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है जापान ने किया था, जो अपने नागरिकों के ऊपर मौलिक कर्तव्य लगाया था, उनको दिया था मौलिक कर्तव्य। और ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था, जैसा कि अभी हमने जान ही लिया था। और साथ ही साथ इसको जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश किया था इसे लागू करने के लिए, तो इसको लागू किया गया है। देखिए, वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप बुरा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसे हैं जो कि आप नहीं करेंगे तो आप जेल जा सकते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें इसमें हैं। जैसे सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट, उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सामने ही है, सबसे पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये है, और ये मानना आपके लिए कंपल्सरी है। जैसे अभी हमने जाना था कि मिनुअल और केरला सरकार के बीच में केस हुआ था, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हमें झंडे का सम्मान करना होगा, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होगा, मतलब ये जो चीज़ें हमें करना पड़ेगा कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, राइट। तो ये मानना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये बात बताई गई है, मतलब कि जो भी हमारे पहले के मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं, उन सब के बारे में इसमें बताई गई है कि उन सारे मोमेंट्स को हमें अपने दिल में बसाए रखना है, उसको रखना है। और उसको रखने के साथ साथ में हमें क्या करना है कि मतलब जैसे कि अगस्त में आप देखते हैं, या फिर हम 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं कि संविधान दिवस मनाते हैं हर साल 26 नवंबर को। तो उसमें क्या होता है, उसमें चीज़ ये हुई होती है कि हर साल 26 नवंबर को जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम वही तो करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उन सबको हम प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों क्या करते हैं, हृदय में सजोए रखते हैं। तो इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, आप मन करें मनाएं या ना मनाएं, लेकिन ये तो कंपलसरी है, हमें मानना ही पड़ेगा, राइट। थर्ड वाला है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, राइट। वैसे तो इसके लिए सेना और फोर्स है हमारे पास, लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को मानें, हम इस चीज़ को करें। तो ये हमारे लिए भी दिया गया है कि हम भी इस चीज़ को मानें और करें। जो फोर्थ नंबर में है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, और देश की रक्षा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप भी अगर कोई आपको ऐसा कुछ चीज़ दिखता है कि कोई संवेदनशील घटना है, या फिर कोई दिख लगता है किसी के ऊपर डाउट है, या कोई आतंकवादी है कहीं, कुछ भी ऐसा फील होता है, तो आप वहाँ पर पुलिस को सूचित करें, अपने आप को सजग रखें। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, ये भी देश की रक्षा करना ही है। पाँचवा नंबर में बताया गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भावित्व की भावना का निर्माण करें, मतलब सब में इक्वल फील हो, सब एक दूसरे को एक जैसा फील करें, इस भावना का आप निर्माण करें, इसके बारे में इसमें बताया गया है। छठा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें, ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई है। लेकिन सातवां नंबर इम्पॉर्टेंट है इसमें कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अगर सातवां नंबर आप नहीं मानते हैं तो। ये हमारे लिए मानना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है, ये हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप बच जाएं, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी हमने कानून बना रखा है। सातवां नंबर हो गया। आठवां नंबर में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, कि लोगों में साइंटिफिक जो व्यू है वो ज़्यादातर डेवलप हो, इसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करें। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप माने या ना माने। नौ नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, को सुरक्षित रखें, ठीक है। तो ये बिल्कुल मानना कंपलसरी है, आप सार्वजनिक संपत्ति को जाकर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई रेलवे या फिर किसी और चीज़ को, जैसे पार्क है, पार्क में कुछ सार्वजनिक चीज़ें बनी, आप जाकर उसको तोड़ फोड़ करें या फिर उसका नुकसान पहुंचाएं, नहीं कर सकते। इसकी इसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी है। दसवां नंबर में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें। तो इसको भी मानना या न मानना आपकी मर्जी है, इसके लिए भी कुछ आपको वो नहीं किया गया, प्रेशराइज नहीं किया गया, कंपल्सरी नहीं है। ग्यारहवां नंबर जरूरी है यहाँ पे, जो आपको मानना पड़ेगा कि माता पिता या संरक्षक जिसके पास भी मतलब बच्चे होते हैं, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको क्या करना होगा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना होगा। और मूल संविधान में तो खैर यही नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं था, इसको जोड़ा गया 1976 में, लेकिन इसको भी 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। और हमारे उसमें बात करें हम DPSP में, तो आर्टिकल 45 में बताया गया है। और हमारे मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो वहाँ 21 के कोअ में बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और यहाँ पे किसकी जिम्मेवारी दी गई है, माता पिता या फिर अभिभावक जो संरक्षक है उनके लिए ड्यूटी बताई गई है। तो ये भी मानना क्या है, कंपलसरी है, राइट। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो मेन चीज़ें थी यही है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 शुरू करते हुए।